نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله جل مجدهوك शुक्र है जिसकी तोफ़ी से जिसकी मदद और नुसरत से हमने उसूलुद्दीन के मौजू पर दिरसात का एक सिलसिला शुरू किया है जिसको मैंने कहा था कि ये इल्म कलाम की तश्ील जदीद का अनवान हम देंगे मगर इसका असल मौजूल्दीन है और मैंने इब्तः में वाज़े किया कि कलाम उसी का एक नाम है पिछले हल्क़ दरस में इल्म तौहीद के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए तौहीद का लगवी और शरी माना और असलाही मफहम बयान कर लेने के बाद वाहिद पर गुफ्तगु की गई थी अल्लाह रब्बुल रब्ल की शान है अलवाद और इस बाब में इमाम अज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह आलिम अलम वमालम इसको हमने इसके एक हिस्से को पढ़ा इमाम अबू मंसूर अलमातुरीदी की किताब तोहद में से मताल बहस को पढ़ा फिर इसी तरह इमाम अबुम़ी की किताब में से कुछ मुताल हिस्सा पढ़ा कुछ अक़द तहाविया में से हमने लिया और बाकिलानी की किताब अल अंसाफ़ में से और इमाम अबूल हसन अशरी के बाज़ कलेमात को भी हमने इस अल वाहिद के माना और मफहम के तहत लिया था आज हम इमाम अज़म अबू हनीफ़ा रज़ील् तिस अलफ़ुल अल अकबर उसकी इबारत से इस मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं और मताल कर रहे हैं अलफ़ा अकबर के उस हिस्से का इमाम अज़म अबू हनीफ़ा रजी इस उम्मत के सबसे पहले आलिम हैं और इमाम हैं जिन्होंने असूलुद्दीन पर बाकायदा लिखा है और इल्मुल कलाम के बानी और मुससेस हैं पहली तहरीर उम्मत मुस्लिम की असूलुद्दीन और कलाम पर सदना इमाम आजम अबू हनीफा हनी फ़ारज़ील की इस पर कुछ हवाला जात और कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बाद में किसी और हल़ दर्स में बयान करूँगा वो सिर्फ़ इमाम आजम के इस मुकाम व मरतबा के हवाले से होंगी और ये भी इस्टेब्लिश होगा बाज़ लोगों को एक मगालता है इसलिए मुता में बाज़ लोगों ने ऐसी बातें लिख दी हैं किफ़ुल अकबर ये ये रसायल इमाम आजम के अपने हैं भी या नहीं तो बाज़ में शकूक पैदा होते हैं बाज़ों ने ऐसा लिखा है तो इसकी तस्री कर दूँगा कि ये अलग तहक़ीक इमाम अज़म ही के रसायल हैं लेकिन आपके फरमुदा रसायल हैं यानी आपने डिक्टेशन दी है इमला दी है ख़ुद अपने कलम से कुछ नहीं लिखा तो आपने लिखवाया है और इसके सबूत फिर आगे किसी नशस्त में इन ले आएंगे आज मौजू की तरफ आ रहे हैं ताकि अद के हवाले से हमारी गुफ्तगु मुकम्मल हो इमाम आजम अब हनीफा रजील् तुमने अलफ़ुल अकबर में यह लिखा व्ला तला वाहिदुन ला मिन तरीके के आदद वला किन मिन तरीके के अन शरीक लहू पहले मैं थोड़ी सी उनकी इबारत पढ़ देता हूँ ताकि एक सबक हो जाए कि आज हम ये पढ़ रहे हैं फिर उसकी तशरीहात और तबीरत कर देंगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताद लामिन तरीके अदद तरीके अदद से नहीं बल्कि इस तरीक से कि उसका कोई शरीक नहीं इस पर गुफ्तगु हमने पिछली नश्त में कर ली है अब थोड़ी सी गुफ्तगु इससे मुतल होगी मगर हम इससे आगे मजमून को लेके जाएंगे और क्यों लामिन तरीके अदद ये वहदत अददी या या उर्दू में कहेंगे अददी वहदत यानी अल्लाह रबत का एक होना टर्म्स ऑफ द नंबर में नहीं क्यों उसकी वजह यह है कि ये अददी एतबार से एक होना ये अल्लाह रब इज़त की ज़ात के साथ मुख्तस नहीं है खास नहीं है अल्लाह के सिवा अदद एक का इतलाक़ और अशिया पर जवाब पर अज़ा पर भी होता है इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ला मिन तरीके यानी अल्लाह का एक होना वो अदद के तरीक पर उसका इहिसार नहीं है अब अददी वहदत जो है इस पर जोर क्यों नहीं दिया और इस पर अहतसास क्यों नहीं कायम किया इस पर गुफ्तु मैंने पिछली कुतुब में हवालों के साथ कर दी थी मैं रिपीट नहीं करना चाहता पिछली नशस्त में और फरमाया कि अल्लाह का एक होना इस माना में है कि उसका कोई शरीक नहीं है नफ़ी मुशारका नफ़ी शराकत की है फिर आगे सूर्य अखलास की आयतें ले आए हैं लम जलिद वलम यूल वलम यकुलफ वन अद अब इस पर गुफ्तु आएगी मैं शायद अगली नशस्त जो बोगी हल्का दर्श तो वह मैं सिर्फ इस तोहेद के माना में सूर्य अखलास पर करूँगा तो आज की नशस्त में इस हिस्से पर गुफ्तु मैं मुलतवी करता हूँ आपने आगे चल के कुल व हद भी कहा है फिर लम यलिद वलम वलम वलम्लु कुफुवन अहद तो सूरह अखलास पर गुफ्तगु इनशा तू कि अलग इम्कान गालिब यह है कि अगले हल्के दर्स में हम इनशा करेंगे तो आज इससे आगे चलते हैं फिर इमाम आज़म फरमाते हैं ला युश बशन मिनल मिन, मिन कही कि उसकी मखलूक में से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ अल्लाह को मुशाबहत हो यानी अल्लाह अपनी मखलूक में से किसी चीज जैसा नहीं है वलायुश बेहू हुई उन मिन खलकही यह फर्क किया है। पहले फरमाया लायुश बेहू शई अन मिनल अशिया ए मिन, मिन खलकही अल्लाह तुद अपनी मखलूक में से जितनी अशिया उसने तख्लीक फरमाई हैं उनमें से किसी शेय जैसा नहीं है और दूसरी मरतबा फरमाया वला युश बेहू शई उन में न खल कही और ना ही मखलूक में से कोई शय किसी लिहाज से अल्लाह जैसी है लम यज़ल वला यजाल बेमायही व सफफात ही अति वलफ अली अल्लाह तबारा का वाला हमेशा से था है और हमेशा रहेगा अपने मुकदस आसमा के साथ और अपनी जाती और फेली सिफात के साथ अपनी ज़ात के आमाए मुकदसा के साथ हमेशा से था है और हमेशा उसी तरह रहेगा यानी अल्लाह रब इज़त के जो आसमा हैं वो भी उसकी ज़ात के साथ शुरू से थे ये बात इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपना कोई इस्म बाद में अपना लिया हो नहीं अल्लाह की जात भी लम यजल वाला यजाल हमेशा से थी और हमेशा है और हमेशा रहेगी इसी तरह असमा भी अल्लाह हबलिज़त की जात के साथ उसी तरह थे और इसी तरह अल्लाह की सफात जातिया और सिफात फलियाः भी अल्लाह के साथ उसकी ज़ात की तरह हमेशा से थी हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी इमाम आजम ने यहाँ अल्लाह रब्बुल हबलिज़त की सिफा को तकसीम किया है सिफ़ तातिया और सिफ़ात फ़लिया में मुताख़रीन जो मतकलम हैं और उसूल जीन हैं उसूल दीन के माहिर और मुतस्स और मतकलम वो जब सिफा का जिक्र करते हैं आगे आएगा हम सिफ़ात के जिक्र पर बाकायदा आएंगे ये सिर्फ तोहीद के बाब में चूंकि वाहिद का जिक्र और अहद का करना था तो उसकी तफसील में यह दुरुस हो रहे हम फिर सिफात के मौजू पर आएंगे तो अक्सर तकसीम करते हैं सिफात नफसिया सिफात सलबिया और या सिफात सबूतिया मुतान मुतकलम तकसीम सिफात के बयान की करते हुए ये करते हैं इमाम आजम ने पहली मरतबा तकसीम सफ़ात बारी ताली की सफ़ात शलबिया सबूतिया की शक्ल में करने की बजाय सिफात ज़ाती और सफ़ात फैलिया की रखी और मैं समझता हूँ ये तकसीम ज़्यादा बेहतर है यानी सफात इलाहिया को बुनियादी तौर पर जब बयान करें और अफवाब और फसूल कायम करें तो तोनवानी सफ़ात नफसिया और सफात सलबिया का या सफ़ात सलबिया का और फिर सफ़ात समूतिया तक अगर नवान कायम करें तो ये जो स्ट्रक्चरिंग है स्ट्रक्चर है अल्लाह रबत की सिफात को बयान करने का इससे कहीं ज़्यादा बेहतर और अनसब मुनासिब है जो इमाम अजम रजील् तुमने इख्तियार किया कि अल्लाह रबु की सफ़ात को सफ़ात ज़ातिया और सफ़ात फ़ैलिया में तकसम किया आगे मैं तफसल बयान कर देता हूँ जब सिफात तातिया आ गई तो तीन किस्मों की सारी सिफात सारी सफात ज़ातिया के जैल में आएंगी पहले सफात सलबिया भी सफात ज़ातिया में आएंगी फिर सफात सबूतिया ये भी सफात तिया में आएंगी फिर सिफात मुतशाबाह ये भी सफात जतिया में आएंगी गोया सलबिया सबूतिया और मुशाबहा ये तीनों अकसाम सिफात बारी तला की सफात ज़ातिया के केनवान के तहत आए ये तकसीम खूबसूरत लगती है और ज़्यादा जामे और माने लगती है और फिर आगे तकसीम कर दी है फिर सफात जातिया की जैली तकसीम मैंने समझा दी और फिर अगली सिफात फिलिया तो इमाम अजम ने यहाँ दोनवान दिए

सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ ताकि एक सबक हो जाए और फिर वाहिद पर गुफ्तु जो पहले जुमले में इमाम आज़म लाए हैं उस पर करना चाहता हूँ अमल फलिया और सिफ़ात फेलिया यानी सिफ़ात ज़ातिया में हयात है कुदरत है अच्छा एक ये भी जहन में रख लें कि सिफ़ात ज़ातिया को इसेंशल एट्रीब्यूट्स कहते हैं इंग्लिश में इसेंशियल एट्रीब्यूट्स इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे और सिफात फेलिया को कहते हैं एक्टिव एट्रीब्यूट्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक्टिव एट्रीब्यूट्स और जाती इसेंशियल एट्रीब्यूट्स अब फेलिया को कहा जैसे हयात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसको लाइफ कहेंगे फिर उसकी कुदरत है जिसको पावर कहेंगे फिर इल्म है जिसको नॉलेज कहेंगे फिर कलाम है जिसको स्पीच कहेंगे फिर समा है जिसको हियरिंग कहेंगे फिर बसर है जिसको सीइंग कहेंगे इरादा है जिसको विलिंग कहेंगे और इस तरह सिफात जतिया में है फिर सिफात फेलिया एक्टिव एट्रीब्यूट्स वो हैं अ तख्लीक व तरजीख वल इंशा वल इबदा व सुन व गई तो जो दूसरी एक्टिव एट्रीब्यूट्स एक्टिव हैं उनमें है तखलीक यानी क्रिएटिंग उसके बाद तरजीक है रिजक देना यानी वो है सस्टेनिंग तीसरी है अल अलशाह वो है ब्रिंगिंग इन टू बीइंग किसी चीज को तखलीक करना उसको वजूद में लाना अब फिर आगे सिफात में बयान करूंगा कि तखलीक और इबदा में क्या फर्क है अल इंशा यह है किसी को तख्लीक में वजूद में लाना और अल-इब्दा किसी को अदम से वजूद में लाना इंशा और इब्दा में एक फर्क है इंशा है महज किसी को वजूद में लाना खास सबकन पहले उसकी कोई मिसाल उसकी कोई असल थी या न थी जस्ट किसी चीज को वजूद में लाना जब ये कहेंगे तो इसको कहेंगे इंशा ब्रिंगिंग इन टू बींग और जब कहेंगे अल इबदा के साथ जिससे बादा और बिदअत है इसका मतलब है ओरिजिनेट करना नथिंग से समथिंग वजूद में लाना अदम से यानी पहले बिल्कुल कोई उसकी मिसल उसकी असल न थी अदम से वजूद में लाना तो वो हो जाएगा ओरिजिनेटिंग फिर असुन मेकिंग अब कई मुतकलम कहते हैं कि दरअकीकत तख्लीक इंशा और सुन तीनों अल्फाज एक ही माना पे दलालत करते हैं कहीं थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी बयान किया गया है यह बहस इंशाला सिफ़ात के बाद में आएगी तो इर्शाद फरमाया कि ये सिफात फैलिया हैं अल्लाह रबुल की ऊपर जो बयान की वो सिफात ज़ाती हैं अब फिर इमाम आजम ने यह जुमले दोहराए लम यज़ल वला यजा लबाही वफ़ात ही लम यह लहू इसम वला सिफतन ये सारी सिफात झातीिया और फैलिया बयान करने के बाद इमाम आजम फरमाते हैं कि इसी तरह अल्लाह रब्ल हमेशा से था है और हमेशा रहेगा अपने इन तमाम आसमा के साथ और अपनी इन तमाम ज़ाती और सिफाती फेली सिफात के साथ ना कोई इसम अल्लाह ताला का नया ऐड हुआ है और ना कोई सिफत नई ऐड हुई है ये बड़ा एक अहम नुकता है यानी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह तबारा का बता का कोई नाम यानी वो जात तो थी मगर उसका कोई नाम बाद में ऐड हो गया हो और ऐसा जमाना हो कि एक वक्त में उसके असमा में से कोई एक दो असमा नहीं थे बाद में एड हो गया नहीं अगर एडिशन हो तो वो मुहदस हो जा हादस हो जाते वो भी क़दीम है अल्लाह की ज़ात के साथ और ना ही अल्लाह की कोई सिफत ऐसी है जो बाद में ऐड हो गई हो अब ये जो चीज़ इमाम आजम ने बयान की इसको आगे वजात फरमाते हैं, वो बड़ी शानदार तस्री है फरमाया लम यज़ल आलमन बल्म ही वाल सिफत फिलजल अल्लाह तशा से आलम था खा देखिए मालूम मखलूक है जिसको जाना जाता है जिसका इल्म हो उसको हम कहेंगे मालूम यानी मैं आपको जानता हूं तो मैं आलिम हुआ आप मालूम हुए आप किसी और किताब को किसी स्कूल को किसी और शह को जानते हैं आप आलिम हुए और जिसको आपने जाना वो मालूम हुई तो आलिम और मालूम का फर्क हो गया और जो सिफत हुई जिसने मुतलक़ किया ताल्लुक पैदा किया जोड़ा आलिम को मालूम के साथ उसका नाम इल्म है इसी तरह सिफत फैली में ले लें तख्लीक़ या सान एक शख्स ने कोई चीज़ क्रिएट की एक, एक शख्स ने कोई प्रोडक्ट क्रिएट की किसी एक सनत को तख्लीक किया तो ये सान है प्रोड्यूसर है या मेकर है या क्रिएटर है बनाने वाला है और जिस चीज़ को बनाया पेन बनाया किताब बनाई कुर्सी बनाई मकान बनाया मेमार है वो उस वह सनात है वह उसकी मखलूक है या वो उसकी तखलीक करदा कोई शय है तो खालक और मखलूक यासान और मसनू जिसको बनाया गया तो इन दो के दरमियान जो रिश्ता है वह खालक का है इस तरह आप लिखते हैं कातब हैं और जिस शय को लिखा किताब लिखी खत लिखा तो वह मकतूब कहलाया तो आप कातिब हुए जिसको लिख दिया वो किताब या खत मकतूब कहलाया तो लिखने वाले और जो लिखी गई कातिब और मकतूब के दरमियान जो रिश्ता वो किताबत का बना इस तरह आपने एक चीज कही मैंने सुनी तो मैं सामे हुआ सुनने वाला और जिस आवाज और जिस शय को मैंने सुना वो मसमूह हुई उसको कहेंगे मसमूह जिसको सुना गया तो ये सामे है वो मसमू है और सामे और मसमूह का जो रिश्ता है वो सम आशे बना अब ये मिसालें मैंने इसलिए दी ये आगे इमाम आजम ने दी हैं मैंने आपको पहले समझा दी ताकि एक बात आपकी समझ में आ जाए जो कि आगे इमाम आजम जो बात कहना चाहते वो ये कि आम इंसान ये समझता है कि जिस चीज़ का आपको इल्म हुआ मालूम हुई तो उसके इल्म होने से ही आप आलिम बने ना मसलन ये एक ये एक वजूद है ये एक किताब है हाथ में मुझे इल्म हुआ इसका कि ये किताब है तो ये मौजूद थी तो मैंने जाना अब ये हमारी मखलूक में तरीका ये है कि अगर यह चीज ही ना होती तो इसका जो इल्म है वो मुझे हासिल ना होता तो मैं इसके एतबार से आलिम ना होता इसके एतबार से यानी जानने वाला नोवर ना होता तो इससे ख्याल पैदा होता है कि इस वजूद जिस चीज को मैंने जाना इसके होने से मैं इसका आलिम बना इसके होने से मैं इसका जानने वाला बना आपने एक पेन बनाया एक पेन बनाया आपने ये आप प्रोड्यूसर हैं तो खालिख हुए अब अगर ये पेन बनाते ही ना आप तो इसी खाल के रिश्ते ने इसको मखलूक किया और आप खालिख हुए तो मखलूक हुई तो आप खालिख हुए सनत का वजूद हुआ तो आप साने बने मीमार तो तभी मीमार बनता है ना कि वो मकान बनाएगा और उसने मकान बनाया ही नहीं तो उसको मेमार तो कोई नहीं कहेगा क्योंकि उसको मेमार का टाइटल ही इमारत बनाने ने दिया इमारत के इस रिश्ते ने उसे मेमार कहा उसको इमारत कहा तामीर के रिश्ते ने तो आम इंसान यह समझता है जो मखलूक का जो निज़ाम है सिफात का और असमा का और अफ़ाल का जो आलम खल का निज़ाम है वो ये है कि जिस चीज से आपका ताल्लुक कायम होता है एक सिफत के जरिए या फेल के जरिए तो दो एंड्स हो जाते हैं एक तरफ बनाने वाला एक तरफ बनने वाली एक तरफ जानने वाला एक तरफ जाने जाने जानने वाली जानी गई चीज एक तरफ लिखने वाला दूसरी तरफ लिखी हुई चीज तहरीर तो यह जो रिश्ता है फेल का या सिफत की सूरत में इकट्ठा ही कायम होता है आलम मखलक में जो निज़ाम है सिफात अफाल का उसके तहत सवाल पैदा होगा कि अगर एक शख्स ने किताब लिखी ही नहीं तो उसको मुसन्फ़ कोई नहीं कहेगा उसका किताब लिखना इस अमल ने ही उसको मुसनफ बनाया कातिब बनाया राइटर बनाया ऑथर बनाया एक शख्स ने कोई चीज प्रोड्यूस की तो उस प्रोडक्शन ने उसको प्रोड्यूसर बनाया अगर वो चीज वो प्रोडक्ट वजूद में ना आती तो ना वो मखलूक वजूद में आती यानी प्रोडक्ट और ये प्रोड्यूसर भी ना बनता अब इसी तरह चलते जाएं तो जेन चूंकि इस तस्वर का आदि है कोई आवाज कान में पड़ी तो मुझे मैंने सुना तो लोगों ने मुझे सामे कहा कि ये सुनने वाला है अगर वो आवाज ही ना होती आवाज ही ना हो तो ना मेरे कानों में पड़े ना मैं सुनूं तो फिर मैं सामे भी नहीं होगा यानी निजाम खालक में असमां सिफात और अफआल का रिश्ता यूं है कि मखलूक हो तो खालिक बनता है यानी वालिद होते हैं वालिद तो औलाद होगी तो वालिद कहेंगे उसको आप अगर किसी की औलाद ही नहीं है Allah ने औलाद दी नहीं किसी को तो वो बीवी का शोहर तो हो सकता है मगर उसको वालिद तो कोई नहीं कहेगा ये जो नाम है वालिद ये टाइटल तो उसको नहीं मिलेगा इसी तरह बहन भाई नहीं है तो वो बाप और माँ बाप का बेटा तो है मगर भाई का टाइटल नहीं मिलेगा उसको क्योंकि भाई के लिए जरूरी है कि उसका कोई और भाई बहन हो शागिर्द होगा तो फिर पढ़ाने वाले को उस्ताद भी कहेंगे और अगर किसी का शागिर्दी कोई नहीं तो उसको उस्ताद कौन कहेगा तो इंसानी जहन इस चीज़ का आदि है इस निज़ाम खलक़ में कि ये जो नाम वज़ा होते हैं और टाइटल वज़ा होते हैं और सिफात मनसूब होती हैं उनमें दो एंड्स होती हैं दो एंड एक जिसकी वो सिफत है वो मौसूफ होता है और एक जिसके ताल्लुक के बायस उस सिफत की शनाख्त तो हुई है वो सिफत बनी है या वो फेल जिस न, उसके ताल्लुक़ की वजह से दूसरे एंड ने उसको ये टाइटल दिया है और ये सिफत दी है और अगर वो दूसरा एंड खत्म हो जाए यानी मखलूक वजूद में नहीं शागिर्द वजूद में नहीं औलाद वजूद में नहीं तो ना उस्ताद होगा ना खालिद कहलाएगा या साने कहलाएगा ना बाप कहलाएगा ना आलिम कहलाएगा ना मुतकलम कहलाएगा मसला कलाम नहीं किया कलाम किस से होगा कोई सामने है तो उससे मैं कलाम करूंगा ना अगर मेरे सामने ही कोई ना हो तो मैं किससे कलाम करूंगा तो कोई सामने होगा तो मैं उससे कलाम करूंगा और मैं कलाम करूंगा तो फिर मैं मुतकलम बनूंगा मुझे कहेंगे मुतकलम बोलने वाला तो मैं अगर बोलूंगा ही नहीं कलाम ही नहीं करूंगा तो मुतकलम कैसे कहलाऊंगा और कलाम कैसे करूंगा जब तक कोई सामने सामने ना हो अपने आप तो कोई नहीं करता ये मैंने बहुत सारी मिसालें आपको इसलिए दी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जात एक जात होती है उसके असमा होते हैं मुख्तलिफ टाइटल्स होते हैं असमा होते हैं जिन नामों से उसे बुलाया जाता है मसल मतलब आप कहते हैं ये शख्स बड़ा बड़ा शफीक है बड़ा रहीम है बड़ा सखी है तो वो कहीं सखावत करेगा तो लोग सखी कहेंगे ना अगर मौका ही नहीं आया उसकी जिंदगी में कहीं सखावत करने का तो वो सखी कैसे कहलाएगा तो सखावत करने के लिए जो मौका आए कि सखावत का पता चले तो कोई सामने गरीब भी होगा कोई मोहताज भी होगा कोई ज़रूरतमंद भी होगा या कोई अमल होगा जिस पर उसने माल खर्च किया है खुले दिल से तो उसके इस अमल और फेल की वजह से लोग उसको सखी कहेंगे तो गोया आसमा वजूद में आते हैं किसी सिफत के जहूर से किसी फेल के सुदूर से किसी सिफत के किसी एट्रीब्यूट के जाहिर होने से इसम वजूद में आता है या जहूर में आता है या किसी फेल के सादिर होने से इसम वजूद में आता है ये जात के साथ बनता है ये है वो निज़ाम खलक़ के अंदर ज़ात का असमा का सिफात और अफाल का रिश्ता अब अल्लाह और बल्ज़त की तोहद का माना क्या है वो चीज बड़ी अजब है सुबहान अल्लाह तो का माना यह है कि अल्लाह तबारा का वाले की तनजीह कर देना तनजीह कर देना उसको पाक बयान कर देना पाक समझ लेना पाक करार दे देना किस शय से हर उस सूरत से हर उस शक्ल से हर उस तसवुर से जो हमारे अफकार में अफ़हाम में आ सकता है अब जितनी गुफ्तु मैंने आपसे अब तक की और मिसालें दी अब इन सारी मिसालों को सामने रख लें अब इन मिसालों के साथ हम अल्लाह की तोहीद को समझने जा रहे हैं और अल्लाह की तोहीद को समझने के लिए एक लफ्ज़ मैंने यूज़ किया तनजीह कि अल्लाह तबारक वाली को, को मुनजह करार दे देना कि वह बिल्कुल पाक है और जुदा है पाक है और बुलंद और बाला है किन चीज़ों से उन तमाम तस्वुरा से जो इंसान के फहम में आते हैं अभी जो आपके फहम में आए खालिक से साने से कातिब से मुसन्फ़ से मुतकल्लम से बाप से बेटे से जितनी चीज़ें आपकी समझ में आई और इसके साथ एक तस्वर भी कायम हुआ ना जहन में हर तस्वुर जो जहन में कायम हो सकता है उससे अल्लाह को पाक समझना और हर तखल हर ख्याल जो इंसान के जहन में और फिक्र में आ सकता है उससे अल्लाह को बुलंदोबाला जानना उससे पाक करना कि अल्लाह ऐसा नहीं है अल्लाह ऐसा नहीं है अल्लाह का मामला ऐसा नहीं अल्लाह की सिफत ऐसी नहीं है अल्लाह का फ़ेल ऐसा नहीं है अल्लाह का इसम ऐसा नहीं अल्लाह की ज़ात ऐसी नहीं तो हमारे अजहान में जो कुछ आता है हमारे अफहम में जो कुछ आता है हमारे अफकार में जो कुछ आता है हमारे ख्याल और तखयुल में जो कुछ आता है हमारे तस्वुरात में जो कुछ आता है और हमारे वहम और गुमान और फहम में जो कुछ आ सकता है अपनी पूरी कायनात में मखलूक के अहाल देखते हुए जो कुछ हमारी समझ में आता है अल्लाह वो नहीं है जो कुछ हमारे तसवुर में आता है अल्लाह की सिफत वो नहीं है जो कुछ हमारे फहम और वहम में आता है अल्लाह की सिवत वो नहीं है अगर हमने समझ लिया अपनी अकल से कि अल्लाह की सिफत इस तरह है तो तरजीह न रही ये तोहीद नहीं शिरक हो जाएगा अगर हमने समझ लिया कि अल्लाह का इसम इस तरह है अल्लाह का फेल इस तरह है अल्लाह की सिवत इस तरह है अल्लाह की जात इस तरह है अगर हमने समझ लिया हम कहां से समझेंगे हम समझेंगे भाई जो मवाद समझ का हमारे पास है हमारे जहनों में है हमारे फहमों में है हमारे फिक्रों में है हमारे तस्वुरात में है हमारे तखीलात में है हमारे मुशाहदात में है हमारे महसूसात में है जो कुछ हम आए रोज़ रात दिन देखते हैं वही समझते हैं जो सुनते हैं वो समझते हैं जो छूते हैं वो समझते हैं जो सुनते हैं वो समझते हैं जो पढ़ते हैं वो समझते हैं तो जो कुछ हमारी समझ में आता है वो आम मादियात की चीज़ है और आलम मादियात की आदात हैं और आलम मादियात की फितरतें हैं और आलम खलक के अहवाल हैं हमारी समझ में इससे मावरा कुछ नहीं आ सकता तो जो कुछ इंसानों की समझ में आता है अल्लाह को उससे बुलंद जानना यह तोहीद है जो कुछ इंसानों के फहम और गुमान में आता है अल्लाह को उससे बुलंद और बाला मुनज्जा जानना यह तोहीद है जो कुछ हमारे तस्वुरात और तखैलात में आ सकता है अल्लाह को उससे बुलंदोबाला जानना यह तंजी है यह तोहीद है तो नफी कर दी तखैलात की भी नफी हो गई तस्वुरात की नफी हो गई तवहमात की नफी हो गई ख्याल की नफी हो गई हमारे इधर की नफी हो गई हर जो हमारे वहम गुमान फिक्र जहन तस्वर और इलम में आ सकती है जिसको हम समझ सकते हैं अल्लाह की तात वो नहीं है Allah की सिफात वो नहीं है वो उससे मुनजा है ये है हकीकत तोहीद। कभी आप कहते हैं ना जी अल्लाह पाक की का जिक्र सुनते हैं तोहीद का जिक्र अल्लाह की आसमा का तो सोच कहते हैं मेरी समझ में तो नहीं आता यही तो तोहीद है बोल उठते हैं ना जी मेरी समझ में नहीं आता अगर आपकी समझ में आ जाए तो वो खुदा नहीं है वह अल्लाह नहीं है आपकी हमारी समझ में आ जाए तो वह अल्लाह नहीं है समझ में आ जाने का मतलब है कि हमने उसका इदराक कर लिया उसकी जात को हमने घेर लिया अपने इल्म से अपने फहम से अपने तस्वुर में अपने तखयल में घेर लिया इहाता कर लिया यह है हमारी समझ में आ जाए और जिसका इहाता हमारा फिक्र और फहम और इल्म न कर सके वो हमारी समझ में नहीं आता तो जो समझ में ना आए वही खुदा है जो समझ आ जाए वह खुदा नहीं इसलिए फरमाया फरमायाउ बिल्लाजी यो मन बिल गईब जो बिन देखे और बिन देखे के माना में है कि बिन समझे उस पर ईमान लाते तो अब वो इमाम आजम के क़लेमात की तरफ आते हैं तो अब फरमाया लम यजल आलिमन बेल्म ही बल इल्मत फ़िलाजल अल्लाह पाक हमेशा से आलिम था और आलिम है और आलिम रहेगा और उस जो इल्म है ये उसकी सिफत अजली है अजल से उसकी सिफत है उसकी की सिफत अजली है यानी अल्लाह के अब सुनिए अल्लाह के आलिम होने के लिए अब सामने किसी शय का बतौर मालूम होना जरूरी नहीं भाई इल्म जिस चीज का हो उसी को मालूम कहते हैं ना तो कोई शय होगी जिसका इल्म होगा तो तब वो आलिम बनेगा अल्लाह का इल्म इस तरह नहीं है। अल्लाह का इल्म इस तरह नहीं अगर कोई चीज़ मालूम सब मखलूक हैं जिसको मालूम कह दिया वो मखलूक हुई आलिम होने के लिए मालूम का होना जरूरी नहीं अल्लाह के खालिक होने के लिए मखलूक का होना जरूरी नहीं कि जो आलम खालक में चीजें हैं इनको पैदा किया तो खालिक बना नहीं जब पैदा कर दिया तब भी खालक है जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी खालक रहेगा और जब इनकी तखलीक नहीं फरमाई थी और कोई मखलूक न थी तब भी वो खालक था उसकी सिफत उसकी जात की तरह कदीम है और अजली है फिर फरमाया वन बेकुदरत ही वल कुदरत सिफत फिलजल और अल्लाह पाक अपनी कुदरत के साथ कादिर भी है उसकी कुदरत भी हमेशा से है और वह उसकी सिफत अज़ल है वह मुतकल बेकलाम ही वालकलाम अज़ल, और वह अपने कलाम के साथ मुतकल है और ये उसकी सिफत अज़ल ही है यानी सामने कोई नहीं था जिससे वो कलाम करे न अभी नबी आए थे ना जब्राइल थे न ना कुरान नाजिल किया था न जबूर ना न तरात ना इंजील ना किसी पैगम्बर को कलाम किया था न किसी फ़रिश्ते को कलाम किया था कल्लाम अल्ला मूसा तकलीमा हज हजमूसा से कलाम किया अम्बिया से किया अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों से किया फ़रिश्ते को कलाम भेजा अम्बिया रसूलों से किया जब अल्लाह ने किसी से भी कलाम नहीं किया था तब भी मुतकलम था ये हमारे मुतकल होने और अल्लाह के मुतकलम होने में फ़र्क है वह खालकन बे तखरीक ही व तखरीक उसीफतन फिलज़ल और वह खालक है अपनी तखलीक की सिफत के साथ यानी उसका इसम भी है खालिक और उसकी सिफत फेली तखलीक भी थी वो खालिक भी था उसकी सिफत तख्लीक भी थी हालांकि सामने कोई मखलूक न थी कोई मखलूक न थी तब भी उसकी तखलीक की सिफत भी कायम थी और उसका खालिक होना भी कायम था सामने कोई चीज मालूम कहलाने वाली न थी तब भी उसकी सिफत इल्म भी कायम थी और वह आलिम भी था फिर शरमाया वा अल बफी वलफेलो सिफतन फिलजल हर फेल जो अल्लाह पाक ने सादिर फरमाया हर फेल लोगों को रिस्क देने का अब खाने वाले कोई नहीं थे ऐसे कोई नहीं थे जिनको पाला जाए तब भी वो रिस्क भी उसकी सिफत तरजीक भी थी और वो राज भी था परवरिश पाने वाले कोई नहीं थे मगर तब भी वो पालने वाला था परवरिश देने वाला था राजिक भी था मरबूब कोई नहीं था तब भी वो रब था रहमत का तलब करने वाला हकदार कोई नहीं था मगर तब भी वो रहमान था और रहीम था उसकी हर सिफत भी थी उसका हर फेल भी था और उसका हर इस्म भी था उसकी जात भी थी तो फरमाया कि वलफायर वाइल अल्लाह है उसकी जात, वल फ़ैल व सिफत उन फिल अज़ल और जो फेल उसने शादिर फरमाया जैसे मैंने कहा तख्लीक किया रिज्क दिया किसी को पैदा किया औरिजिनेट किया किसी को क्रिएट किया किसी को ये जो कुछ अल्लाह पाक ने सिफात फरमाई तो ये सारे फेल अल्लाह पाक की सिफत हैं और ये उसकी अज़ली सिफत हैं वल मफूल व मखलू कफल उस फेल के नतीजे में जो शादिर हुई जो चीज़ें वजूद में आई वो मखलूक है फेल इलाही के नतीजे में जो चीज़ें ज़हूर पजीर हुई या वजूद पजीर हुई वजूद में आई अल्लाह के किसी फेल के नतीजे में उसने तखलीक किया तो उसके तखलीक के फेल से मखलूक वजूद में आई नूर पहला नूर अव्वल नूर मोहम्मदी वजूद में आया वह मखलूक हुआ अक्ल वजूद में आई वह मखलूक हुई कलम वजूद में आया वो मखलूक भी अरश वजूद में आया वो मखलूक भी लोह वजूद में आई वो मखलूक भी कलम वजूद में आया मखलूक भी अर्ज़ व समावत वजूद में आए मखलूक तो अल्ला के फिल तखली से जो जो शे वजूद में आती गई इन नमा अमर इज़ा अरा दकूल लहू कन फ़कून उसका इरादा मतलब हुआ किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए के साथ इरादा तखलीक का मुतल हुआ चीजें वजूद में आती गई जो जो वजूद में आता गया वो मखलूक कहलाता गया वो मखलूक हो गई तो मखलूक बाद में वजूद में आई मगर जब मखलूक वजूद में नहीं आई थी तब भी अल्लाह खालिक भी था और उसकी सिफत तखलीक भी बरकरार थी इसका इतलाक हर चीज पर कर लें अब आगे इमाम आजम फरमाते हैं कि मखलूक वो मफूल है सो so, मफूल अब हमारे यहाँ कायदा क्या है अगर मफूल ना हो तो फ़ाइल नहीं होता जो कुछ हम पढ़ते हैं इसी से अल्लाह पाक की तोहद की जो शान तनजी है वो हमारे फहम से इल्म से इदराक से तखैल से तस्वुर से बुलंद है हमारे यहाँ यह कि अगर मफूल ना हो तो फाइल नहीं हो सकता फाइल जो होगा तो किसका भाई हम कहेंगे फाइल है तो इसका फ़ेल क्या है तो फाइल और फ़ेल तो होगा मगर उसके लिए मखलूक मफूल चाहिए अगर मफूल नहीं तो अकेला न फेल वजूद में आ सकता है ना उसको फाइल कह सकते हैं यहां मामला यू नहीं है इसलिए तो फरमाया मिसल ही शई उन उसकी मिसाल कोई शे नहीं न वो किसी के मिसल है ना कोई शे उसकी मिसल है फरमाया कि हर फेल के नतीजे में जो कुछ वजूद में आया वो मखलूक है मफूल मखलूक है मगर अल्लाह का फेल मखलूक नहीं है वो कदीम है वो हादिस नहीं वो अजली और अबदी है अल्लाह की ज़ात की तरह व फिल्ला तैर व मखलूक़ा अल्लाह का फ़िल गैर मखलूक है वफफ़ात तो फिलज़ल गैर वुमहदसन वला मखलूकता उसकी तमाम सिफात अजली हैं न वो नई वजूद में आई न वो मखलूक हुई हालांकि उनके नतीजे में मफूल जो वजूद में आए वो सब मखलूक हुए Allah की सिफात के लिए और अल्लाह के अफाल के लिए मफूल का पाया जाना जरूरी नहीं मफूल न था तब भी उसका फेल था मफूल है तब भी उसका फेल है मफूल न रहेंगे तब भी उसके फेल रहेंगे इसी तरह उसकी सिफात इस तरह उसकी जात और फरमाए मन का मखलूकत और मुहदसात जिस शख्स ने कहा कि अल्लाह की सिफात और अल्लाह के अफाल मखलूक हैं या हादिस हैं अ वाक़ा और शक का मुतरद हुआ या शक किया फ़ी हम इन में फ़ो काफ़िर वो काफ़िर है उसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया यानी तोहद का माना और ईमान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को अजली और अबदी और कदीम माने नहीं अल्लाह के असबा को भी उसी शान के साथ माने अल्लाह की जमी सिफ़ात को भी उसी शान के साथ माने और अल्लाह के तमाम अफ़ल को भी उसी शान के साथ माने ये पहला एक पैराग्राफ है जो इमाम आज़म की अकबर से हमने किया अब हम आ जाते हैं आगे अलाहिद की तरफ इसी के तहत अब जो बुनियादी चीज जिसको किया वो इमाम आजम ने के शुरू किया है मजमून वो इस जुमला से जिसको आज के मजमून में ले रहे हैं वल्ला वाहिद।, ला ला। वाहिद है और फरमाया बयान करना आददी तरीक से नहीं बल्कि इस तरीक से कि उसका शरीक कोई नहीं अब इस पहले जुमले की तरफ आ जाते ये जो इमाम आजम ने फरमाया पहला जुम्ला अब इसका माना क्या है कि अल्लाह रब की जात वाहिद है अब वाहिद होना जो इमाम आजम ने बयान किया अल्लाह वाहिद फिर जात का फिर सिफात का तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वहदानीजा है इसकी तीन अकसाम हो गई वाहदानियत का बयान ये हुआ कि इसकी तीन किस्में बनी एक वहदानी यत दूसरी वहदानी या तफ़ात और तीसरी वाहदानी यफ़ाल यानी कुल्लद जब फरमाया तो गोया अहदी ज़ात है वो है अल्लाह पाक अलवाद फि ज़ात में भी वाहिद है ये उसकी वाहदानियत और वो वाहिद फिर सिफात भी है यानी उसकी तमाम जो सिफात कमाल हैं उन तमाम सिफात कमाल में वो मुतफरद है यकता है जो बयान कर चुके हैं हम पहले और इसी तरह अलवाहिद फिल अफ़आल वो अपने अफ में भी वाहिद है ये उसके जो अफ़ाल जिनका जिक्र सिफ़ात फैलिया में हमने कर लिया अलफ़ुल अकबर से वो खलक़ है एहिया है इमातत है किसी को मारना किसी को ज़िंदा करना मौत देना तदबीर करना अमूर की जितने उसके अफ़ाल हैं उन तमाम अफ़ाल में भी उसका कोई शरीक नहीं वो ज़ात में भी वाहिद है वो सिफात में भी वाद है और वह अफ़आल में भी वाद है ज़ात और सिफात का जिक्र तो आप कुरानी मजीद में आप पढ़ते हैं अफ़ाल की एक मिसाल देता हूँ सूरा सोरा आयत नंबर सोलह में इशात फरमायाजीम जा शल ही क्या तुमने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं कि गोया वो भी उसी तरह खलक करते हैं जैसे अल्लाह खलक करता है ये फेली सिफत है खलक़ का बयान करके फिर आगे फत शाब अल खलकम कुल्ला कुल्शन वह वलवादुल्कार अल्लाह पाक हर शे का खालिक तो जब हर शे को खलक अल्लाह ने किया है तो मखलूक फेल खलक में अल्लाह जैसी कैसे हो सकती अल्लाह की तरह कैसे हो सकती और वह वाद और कहार है तो ये याद रख लें जब अवाहिद की और वाहदानीयत की बात होती है तो इसके तीन सतहें हैं यानी वाहदानीयत फिजात वाहदानियत फात और वाहदानियत फिल अफ आल अलवाहिद फिजात अलवाहिद सिफात और अलवाद फिर अफ ये तीन चीजों से ये माना तश्ल पाता है अब चूंकि ये तय हुआ कि वहदत इख्तस नहीं है वहदत अददी Allah की जात के लिए मुख्तस नहीं वो कईयों के, के लिए वाहिद का माना अददी मफहम में इस्तेमाल हो जाता है अल्लाह पाक का वाद होना यकता होने और ला शर्क होने के माना में अब वो जो ला शर्क होना है उसको लाशरीक होने के मफहम को ले लेते हैं अल्लाह रबत की वहदानियत उसका मफहम जैसे मैंने इमाम आजम ने बयान कर दिया वह हो गया कि हर जिहाद से जात की जहत से सिफात की जहत से अफाल की जहत से हर जिहाद से उसका वाहिद होना वो उसकी तकसीम नहीं हो सकती उसके जुज नहीं हो सकते वाहिदन फीजात ही लायन कसिम वला यज वला यद वलायतजा हो ना उसका बाद बन सकता है ना जुज् बन सकता है ना उसकी तकसीम हो सकती है हती वाहिदन वाहिदी सिफ़ात ही ला युश बे शयन व ला युश बे हुयन शयन जैसे पहले बयान कर दिया व वाहिदन फ़ी अफ़ाल ही ला को कू फ़ी हा शयन अफ़ाल में भी वाहिद है और कोई शे उसके अफ़ाल में भी उसके साथ शरीक नहीं ये माना है बुनियादी तौर पर जो जिसको हमने बयान किया अल्लाह रबुलज़त की, अल्ला रब की वाहदानियत का अब उसका वाद होना और ला शर्क के माना में वाद होना उसकी थोड़ी आगे तफसील में बढ़ते हैं वाहिद फ़ात इसका माना कि जब वहदानियत हम बोलते हैं तो उसका माना है ला सानी अलह। उसका कोई सानी नहीं वहदानीयत और वाहिद का मतलब है नफी इस नै नीयत नफी इस नीयत दुई का उसके दो होने का या उसका हमसर होने का या उसका, दूसर होने का, या उसका दूसरा होने का दूसरा होने का इनकार है मुतलकन किसी माना में भी उसका कोई सानी नहीं न उसकी जात में न सिफात में न उसके अफाल में नफी इस नैनीयत हर लिहाज से करेंगे तो अल्लाह पाक की वहदानियत साबित होगी अब ये जो वहदानियत है इस वहदानियत की तीन अकसाम जैसे मैंने बयान कर दिया वहदानियत फिजात वहदानियत फिर सिफात वहदानियत अफ़ाल। अब हम वाहदानियत फिजात को लेते हैं वाहदानियत फिजात इसके माना में दो चीजें आती एक तो यह कि अल्लाह की ज़ात ऐसी वाहिद है और उसकी ज़ात की शान वहदानीयत यह है इसको कहते हैं अदमो तरक्को बिजात मिन अजा दम तरक्को में जाते ही तला जात, रब की जात कई अज़ा का मुरकब नहीं है वहदानियत जात का माना समझा रहा हूं वाहदानियत उसके इसके दो माना है जाती जाति के एक माना यह है कि अल्लाह की जात ऐसी नहीं है कि वो कई अजा का मुरकब हो और कई अजा मिलकर एक मुरकब की शक्ल में अल्लाह की जात बनी हो ऐसा नहीं है वैर मुरकब क्यों कि अगर कई अज्जा से मुरकब होगी तो हर जुज कदीम होगा और हर जुज अल्लाह होगा हर जुज खालिक होगा तो ये विदिन जिरक हो जाएंगे। हर जुज उसी शान का हामिल होगा जिसका जिक्र मैं अभी तक कर चुके हैं और फिर यह शान अजा से मुरक्कब होना यह शान जिस्म की होती है वो जिस्म और जर्म नहीं है अल्लाह की जात तो पहली माना तो यह है कि उसकी जात अजा से मुरक्कब नहीं कि कई जुज हों अगर कई जुज एक जात में हो जाएं तो गोया कई इला हो जाएंगे कई खुदा हो जाएंगे वाहदानी ज़ात का एक माना यह है और दूसरा माना इसका यह है द वजूद मुमासिल लहूफी ही ये तो था उस जात के अंदर ऐसा नहीं है कि वो कई अजा से मुरकब है ना नहीं दूसरा माना यह है कि जात तो मुरकब नहीं है मगर ऐसा हो कि उस जात जैसा वजूद कोई और हो वो जात के दाखिल में अजा नहीं है चूंकि वो उलूियत की नफी करते हैं और ज़ात के खारिज में कोई और वजूद उस जैसा नहीं है ज़ात के खारिज में कोई और वजूद उसके मुमासिल नहीं है ये दूसरा माना है वहदानी या तजात का अब ये जो वहदानी या तजात का माना बया इसको इसला में मुतान ने बल्कि दरअसल ये जो आगे बयान करने लगा हूँ ये इमाम अबूल हसन अशरी के एक शागिरद थे इमाम अशरी के इमाम अबूसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी एक ज़माना के उनके एक शागिर्द थे इमाम सालूकी उनका नाम था इमाम अबू साहल असालूकी अन्य सापूरी इनकी वफात तीन सौ उनहत्तर हिजरी में हुई दो सौ बहत्तर में विलादत थी तो दरअसल ये असिलाह सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल की ये जो बात मैंने समझा दी कि अल्लाह की ज़ात की वहदानीत का माना यह है कि ना वो ज़ात मुख्तलिफ अज्जा की तरकीब से नहीं बनी यानी मुरक्कब नहीं है यानी ज़ात के दाखिल में अंदर कई जज नहीं है उसके अगर ऐसा हो माज अल्लाह तो फिर वो हर जुज इला बन जाए और नई जात के बाहर जात से खारिज कोई और वजूद या कोई जात उसके मुमासिल है अब इसके लिए जो इतला हुई वो मैं इबारत देता हूं आपको वो कहते हैं कि अगर जात के अंदर तद हो तो इसको तद इत्तिसाल कहते हैं तद इत्तिसाल और अगर जात के बाहर कोई और जात उसका मुमाशर उस जैसा हो तो उसको तदुद इनफिसाल कहते हैं इनफिसाल। इत्तिसाल से मुराद अगर काफी सारे जुज हों वो आपस में मुत्तसिल हैं जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक इकाई बन गई है एक जात बन गई है तो वो तद्द इत्तिसाल इस वजह से कहा उसको अलकमुल मुत्तसिल ये दीन में या कलाम में असिला इस्तेमाल होती मुत्तसिल, तो मुत्तसिल की नफी करना यह जात की पहली सूरत है कि अल्लाह की जात के अंदर बहुत से अजा नहीं कि बहुत से अजा से तरकीब पाकर तश्किल पाकर एक मुरक्कब की सूरत में वजूद बना हो यह शकल इसको कहते हैं नफीमिल जिनको यह टर्म याद ना रहे बोदर ना करें मैंने मफहूम सारा समझा दिया आपको ये यहमा के लिए है मुतकलम के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलर्स के लिए कि ये जो इसका इनकार है ये अंदरूनी तरकीब की सूरत का और तद इताल जिसको मैंने कहा इसको असिलाहन कहते हैं और इसकी नफ़ी का माना हुआ नफ़ीकम्मिल मुतसिल अल्लाह की ज़ात खुद कई अजा से मुरकब नहीं यानी उसके अंदर अजा नहीं है कि हर जोज खुदा न खास खुदा की तरह कदीम हो जाए ऐसी बात नहीं इसकी नफी को नफी मुकम्मल मुतसिल कहते हैं और जो उसकी जात से बाहर कोई और वजूद अल्लाह जैसा नहीं जात का दूसरा माना, इसका मतलब ला नजीरूफिलूहिया ये उसकी जात जैसी नजीर और शबी और उसकी मिसल और मसील कोई और जात नहीं बाहिर तो इसको कहते हैं नफियुल मुन मुनफसिल ये तद फिसाल यानी जात के अंदर नहीं जात के बाहर इन फिसाल फसल फासला अलग अल्लाह की जात के जिला बाहर कोई और जात ऐसी मौजूद नहीं जो अल्लाह की जात जैसी हो जैसी सिफतें पहले बयान कर चुके हैं हम अलफिक अकबर के बयान में उसको जेन में रख लें कि उन सिफात की हामिल वो कोई जात उन असमा के साथ उन सिफात के साथ उन अफ़ाल के साथ उस शान के साथ हामिल कोई और ज़ात उसकी नफी करना कि कोई और नहीं इसको कहेंगे नफील कमिल मुनफसिल अगर कोई और जात मानी जाए तो यह तद्द इनफिस होगा तद्द इनफिस और अगर जात के अंदर माजाला अज़ा माने जाए ये शिरक होगा तो यह तद इत्तिसाल होगा तो इत्तिसालन भी नफी कम करना इत्तिसालन भी और इनफिसालन भी नफी कम करना यह टर्म चूंकि मुश्किल है बताना जरूरी था मगर आम सामीन बोदर ना करें समझा दिया कि ना अल्लाह की जात के अंदर कोई गुंजाइश शिरक है तदियत का अददियत की गुंजाइश है ना की जात के अलावा आलम खारिज में किसी और के खुदा होने की गुंजाइश है तो ये दोनों सूरतें आ गई अब इसके बाद है वहदानियत सिफात वहदानियत सिफात के भी दो माना है एक है अदमो सिफात ही तआला मिन जिन सिन वाहिदिन अल्लाह जत की सिफात का तद एक ही जिनस के अंदर यह कहना कि अल्लाह की कुदरतें दो या दो से ज्यादा हैं अल्लाह के इरादे दो या दो से ज्यादा हैं अल्लाह के इल्म दो या दो से ज्यादा हैं अफाल की नहीं बात कर रहा अफाल की नहीं सिफात की जो सिफात है सिफत हयात है सिफत कुदरत है सिफत कलाम है अल्लाह पाक की सिफात हैं यह ख्याल करे कि अल्लाह की कई किस्मों की सिफत इल्म है तरह तरह के उसके इल्म की सिफतें हैं यानी सिफत इल्म में तद्द मानना मुख्तलिफ लेवल्स हैं मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं मुख्तलिफ रैंक्स हैं कोई परफेक्ट है कोई मोर परफेक्ट है कोई द मोस्ट परफेक्ट है कोई लेसर परफेक्ट है किसी में नक्स है तो जब ज्यादा मानेंगे तो उस इल्म की सतहों में फर्क आएगा वो शान उलूत के खिलाफ हो जाएगी उसकी कुदरतें कई मानना तो कुदरत कुदरत के मुकाबले में कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी कहीं नाकिस, कहीं कामिल ये शिरक हो जाएगा उसकी हयात के मुख्तलिफ रैंक्स मानना कैटेगरीज मानना उसकी क्वालिटीज़ मानना यानी अल्लाह की सिफात में तद एक ही जिन्स की सिफत एक से जायद ये जो अकीदा तो इसकी नफी है वाहदानियत सिफात में और दूसरा इसी का माना है अदमसबूत सिफतन लही तो मासलो सिफता मिनसफात कि अल्लाह की जो सिफतें हैं इन में से कोई सिफत उसी तरह खारिज में आलम खारिज में किसी और के अंदर उसी तरह वो सिफत मानना जैसी वो सिफत अल्लाह की है उसी शान के मुताबिक कदीम अजली अबदी गैर मुहदस गैर मखलूक उसी शान के मुताबिक अल्लाह की कोई सिफत आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर किसी और के लिए मानना यह वाहदानियत सिफात के खिलाफ होगी तो बेई तौर यह शिरक हो जाएगा अब ये जो सूरत है जो मैंने आपको बयान की ये सूरत वाहदानी या के खिलाफ है इसको भी अशिला इस में अतलाह में वाहिद फ़फ़ात होने के लिए एक इल्म की बजाय दो इल्म दो कुदरतें तीन कुदरतें ऐसा कहेंगे तो इसको भी कहेंगे अलकमुल मुतसिल फिस्फात जैसे अलकमुलमतसल फिर ज़ात था ज़ात में कई अज्जा को मानना मुतसल तो वो बात पहले खत्म हो गई इसी तरह अल्लाह की सिफात में एक ही जन्स की सिफत को कई सिफतें अल्लाह की मुख्तलिफ सिफतें हर दूसरी जन्स की सिफत में तद्द मानना तो सिफत इलाहिया के अंदर एक जेंस में तद्द पुलरिटी मानना एक एक जेंस में तो ये अलकमुलमतसल फिर सिफात हो जाएगा वो ज़ात के अंदर था तो अलकमुल मुत्तसिल फिज़ात था अब ये सिफात के एक एक सिफत के अंदर अगर तद माना एक एक सिफत इलाहिया के अंदर अगर प्लूरेटी मानी तद्द माना तो ये मुत्तसिल सिफात हुआ और इसी तरह अगर अल्लाह की सिफात या सिफत जैसी एक सिफत भी आलम खारिज में किसी और के लिए मानना किसी और शख्स के लिए किसी और मखलूक के लिए अल्लाह जैसी सिफत को मानना ये अलकम्ुलमन सफ मुनफसल फिर सिफात हो जाएगा मुनफसिल फिर सिफात तो इसका माना भी वही बनेगा जिस तरह ज़ात के लिए था और तीसरा है वहदानियत फिल अफ अब आपने ये देखा कि बज लोगों को बहुत जल्द वहम हो जाता है ऐसे अम्बिया कराम रसूल पाक सल्ह सकदस उलिया कराम की, की बाफात और उनके अहवाल के हवाले से बगैर सोचे समझे शर्क के फतवे लगा देते हैं और ये असूल दीन के खिलाफ है उसूल दीन में दर्ज है कि सबसे पहले अल्लाह की सिफात का माना समझें सिफात का माना समझें जब आपने शर्क कहा तो अल्लाह की जात के लिए शिरका तो ठीक है अलकम्लमतसिल में तो कोई दावा नहीं कर रहा तो अलकमुल मुतसिल नहीं मुनफसिल में होगा तो वो भी मुद्दा ही नहीं जो झगड़ा पैदा होता है इख्तलाफ पैदा होता है फतवाबाजी होती है वो सिफात के बाब में होती है सिफात और अफाल के बाद में तो सिफात के बाब में आपके लिए लाजिम हो होगा कि साबित करना अलकम्ुलमनफसल फफात जैसी सिफत अल्लाह की है उसी शान के साथ उसी तरह की सिफत वही सिफत किसी गैर के लिए साबित करें खा मुस्तकिल खा आर्जी तौर पर तब शर्क साबित होगा अगर सिफत की नोयत ही मुख्तलिफ हो गई इधर कदीम थी उधर हादिस हो गई इधर मुस्तकिल थी उधर गैर मुस्तकिल हो गई इधर गैर मुतनाही गैर महदूद थी उधर महदूद और मतना हो गई इधर जतीी थी उधर अताई हो गई उधर लिमिटेशन आ गई जब उसकी माहियत उसकी नोयत उसकी नेचर उसकी रियलिटी सब कुछ बदल गई तो मुशत नाम की रह जाती है तो तो असमा में भी मुशाबतें हैं अल्लाह भी रहीम है बंदे भी रहीम है अल्लाह भी करीम है बंदे भी करीम है अल्लाह भी समी है बंदे भी समी हैं अल्लाह भी बसर है बंदे भी बसीर हैं अल्लाह भी शहीद है अल्लाह के बंदे भी कई शहीद हैं तो जिस तरह असमा में ये जो जाहरी मुशाबहत है असमा में जाहरी मुमासलत एक जैसे असमा इससे शिरक वाक नहीं होता इस तरह सिफात में जाहरी तौर पर जो मुशाबत इंसानी जहन को समझ में आती है उससे शिरक वाक नहीं होता जब तक सिफत की नोयत एक ही ना हो जो अल्लाह की सिफत की नोयत है वही सिफत गैर के लिए ना साबित की जाए जब यह चीज क्लियर होगी तो शिरक होगा अगर नहीं तो फिर दावा शिरक करना माज जहालत है फिर तीसरी किस्म वहदानियत फिल अफ़ाल। कि अल्लाह के अफ में वहदानियत अल्लाह के अफाल में और इसमें वाहदानियत का मतलब भी वही है कि अल्लाह के अफ इसमें वहदानियत एक ही अमर में है एक ही अमर में याद रख लें वो ये कि जो कुछ भी आलम मुमकिनत में आलम मुमकिनत में जो कुछ जाहिर हो रहा है अफाल की शक्ल में उसमें मौसर हकी अल्लाह की जात है मौसर हकी अल्लाह की ज़ात है बस मौसर हकी किसी और को जानना यह वाहदानियत फिल अफाल के खिलाफ होगा ये शिरक हो जाएगा मवसर मजाजी अगर किसी और को मान लें शिरक नहीं होगा और वो जो मौसर हकीकी मानना है वो खाम मुस्तकिल माना जाए ना इस्तलाल के साथ भी नहीं मान सकते और मुशारकत के साथ भी नहीं मान सकते कि कोई और शरीक है मौसर हकीकी होने में उस चीज़ की तासीर में कोई और शरीक है यानी जो उस फेल के अंदर तासीर है उसकी जो ईजाद है जो उसकी इजाद है उस फेल की और उस तासीर को वजूद में लाना और उसको एलिमिनेट कर देना उसका इजाद और उसका एदाम उसको वजूद देना फेल की उस तासीर को या उसको कलादम कर देना उसको मादूम कर देना यह अल्लाह इज़्ज़त के कुदरत में है यह अल्लाह की कुदरत में है और सिर्फ उसी के अफल की शान है इसमें अल्लाह को मुनफरिद जानना न कोई मुस्तकिलन उसका अपोनेंट और उसका शरीक है न कोई उसमें हिस्सेदार है न थोड़े वक्त के लिए न ज्यादा वक्त के लिए तो तासीर ईजाद और एदाम की शान के साथ जिसको मौसर हकीकी कहते हैं अफआल में यह मौसर हकीकी अगर तदाद में माना जाए अफआल में किसी और को तो शिरक होगा तो इसका ताल्लुक सिर्फ मुनफसलन है किसी और के लिए अल्लाह की ज़ात के अपने अफ़ाल उनका ज़्यादा होना ये मुनाफी नहीं है मुनाफी नहीं है वहदानियत के अफ़ाल अल्लाह के कसीर हैं अल्लाह के अफ़ाल कसीर हैं खल भी करता है रिस्क भी देता है गनी भी करता है फ़कीर भी करता है इज्जत भी देता है जलील भी करता है जिलाता भी है मारता भी है उठाता भी है गिराता भी है ये स... अफ़ाल हैं तो ये कसरत अफाल अल्लाह रबत की ये उसकी वहदानियत अफाल के मनाफ़ी नहीं है हर फेल की एक अलग शान है वहदानियत की नफ़ी तब होगी कि इन तमाम अफ़ाल में अगर किसी गैर को या शरीक किया जाए उसकी मौसरीत में वरना देखिए ना रिज्क है तो इसका भी एक जाहरी सबब बना हुआ है आप कहीं नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो वो जरिया रिज्क बन गया तो वो जॉब मौसर हकीकी नहीं है वो इसका वसीला है तो अगर उस फेल के सदूर में किसी को वसीला मान लिया या मौसर मजाजन मान लिया तो वो वह अफ़ल में के मनाफी नहीं वो शिरक नहीं बनता ये वसायत हैं ये जराए हैं ये जराए और वसायत खुद मोहताज हैं ये इन्होंने तासीर अज खुद पैदा नहीं की इनके अंदर तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है करने करने वाला वाला अल्लाह अल्लाह है, है, इनको है। इनको खत्म करने में हकीकी और की जात है। अगर मुसरीयतियत हकी हकी मत किसी और की तरफ मनसूब की खा जजवी तौर पर खाकुल्ली तौर पर खा आर्जी तौर पर खा मुस्तकिल तौर पर खा मुस्तक हैसियत से खा शिरकत की हैसियत शराकत की हैसियत से हकीकी मौसरीत और हकी मौसरीत का मानना है ईजाद और एदान उस तसीीर को पैदा करना उसका मुझे धोना और उसको मदूम करने की कुदरत रखना अगर ये मनसूब कर दे शान किसी और को तो ये गोया अफआल में वहदानियत की नफ़ी होगी ये शिरक बनेगा और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह रब्जत की वहदानियत बरकरार रहती है तो ये तीन मानी थे वहदानियत इलाहिया के तीन मानी जिनको बयान किया वहदानियत फिर ज़ात वह फिर सिफ़ात और वहदानियत फिर अफ ये अल्लाह इज़्ज़त ने वाहिद की शान में ये चीज़ें बयान फरमाई। अब इसी वहदानियत को थोड़ा और इसकी वजाहत करते हैं आपने वाहिद भी समझ लिया वहदानियत भी समझ ली अब आखिरी गुफ्तु आज के हिस्से में ताकि ये बहस ख़त्म हो सके वहदत की बयान करता हूँ वहदानीत और वहदत में एक फ़र्क है वहदानीत अल्लाह की शान है उसकी ज़ात की शान है उसकी सिफात की शान है उसकी अफ़आ की शान है वहदत वहदानीत किसी और को हासिल नहीं वहदानीयत किसी और को हासिल नहीं जैसे अहदीयत किसी और को हासिल नहीं मगर वाद से जो वहदत है ये जो अल्लाह के लिए है वो भी है मगर अल्लाह के गैर मखलूक़ात के लिए भी वहदत मुख्तलिफ अकसाम की साबित है लिहाजा अल्लाह की शान ये है कि जो शान वहदत की अल्लाह के लायक है उसको सबित करना वो वहदानीत है और वहदत की जो जो शानें और जो जो किस्में अल्लाह के लायक नहीं उनकी नफी करते हैं उनकी नफी करते हैं और जो वहदत का लफ्ज है उसका इतला कई मानी में होता है किसी शख्स के लिए किसी शहर के लिए कई मानी में होता है एक वाहिद कहते हैं वाहिद फिलिससाल यानी एक मुल्क है उसके अंदर अज्जा हैं कई शहर हैं कई शहर हैं वो सारे उस कुल का हिस्सा हैं तो आप उस जुज़् को भी उसी कुल का नाम दे देते हैं उन सारों में एक वहादत है यानी एक शख्स यहाँ से गया कैनेडा से या अमेरिका से गया इस्लामाबाद तो वो कह सकता है मैं पाकिस्तान गया दूसरा लाहौर गया वो कहेगा मैं पाकिस्तान गया तीसरा रावलपिंडी गया वो कहेगा मैं पाकिस्तान गया चौथा कराची गया पाँचवा कोटा गया छठा पिशावर गया हर शख्स गया अलग अलग शहर में अब मगर लफ्ज़ एक ही बोलेगा कहता है वो पाकिस्तान गया तो ये वहदत है कि तमाम शहर तमाम बिलाद जो हैं एक ही मुल्क के हैं तो ये वहदत इतसाल ही अलवदत फिल्ताल एक है वहदत बिलजतम बिल बिलजतम ये है कि मसला एक शख्स कई अज़ा कई अज़ा के साथ तरकीब पाया है तो उसके एक एक उज्व को वो इनाम दे देते हैं जैसे जैद है तो आपने जैद के हाथ को पकड़ लिया तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने जैद का हाथ पकड़ लिया आप कह सकते हैं मैंने जैद को पकड़ लिया दूसरे ने नेमामा बारवी साहब की टांग को पकड़ लिया वो ये नहीं कहेगा मैंने टांग को पकड़ लिया वो कह सकता है तो। मैंने ल्लामा बारवी साहब को पकड़ लिया तीसरे ने नेामा जामी साहब की गर्दन को पकड़ लिया तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो गर्दन का लफ्ज़ यूज़ करे वो कह सकता है मैंने अमामा जामी को पकड़ लिया ये सारे अज्जा या आज़ा ये वाहिद बिल इजतमा की किस्म में आते हैं हाथ को पकड़ ये सब उसी उसी के ऊपर इंसान का उस बंदे के नाम का इतलाक हो जाता है एक तीसरी किस्म है वहादत बिल जिन्स जैसे कुल इंसान तमाम इंसान लाखों करोड़ों हैं वो सारा एक इंसान वो वहादत है घोड़े हैं गधे हैं अलगर फलों में तो तमाम जो अज, अजनास हैं वो सारी जन्स की वजह से ये वहदत वहदत मुजानसत कहते हैं इसके जेंस की बुनियाद पर वहदत मुजानसत एक वहदत नौई है जैसे ये अरब हैं कुल ये अजम हैं ये वेस्टर्न हैं ये ईस्टर्न हैं ये जब आप बोलते हैं तो ये चाइनीज़ हैं ये रशियन हैं इसको अरबी में मुमासलत कहते हैं यह भी एक वहदत है अब उसमें करोड़ों अरबों इंसान आएंगे करोड़ों लोग आएंगे मगर वो सारों में एक वहदत है नौ की अरब होने की अजम होने की तो ये मु, इसको मुमासलत कहते हैं फिर एक और वहदत है लौन की उसको मुशा कहते हैं रंग एक जैसा है फीचर एक जैसे हैं पहले ज़मानों में अब भी पहचाने जाते हैं भी फ़लाँ टर्किश फ़ीचर हैं फ़लाँ के फ़लाँ तिब्बत के इलाके के फ़ीचर हैं जैपनीज़ फ़ीचर हैं फ़लाँ फ़ीचर हैं मुख्तलिफ रंग हैं मु� तो रंगों से फीचर से पहचाने जाते हैं तो ये मुशाबहत कहलाती है ये वहादत मुशाबहत है एक मकदार में वहादत होती है तो वह उस मकदार एक जैसी और मुख्तलिफ बर्तनों में मकदार तो उसको मसावत कहते है। हैं मकदार में मुख्तलिफ जगह एक बर्तन बेशुम हैं दस पंद्रह बीस पचास हैं मगर एक जैसी है तो मसावत भी एक किस्म की वहादत है फिर एक वहदत शक्ल में होती है उसको मुशाकला कहते हैं यानी मुख्तलिफ़ मखलूक़ मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ कुर्रे हैं एक जैसी उनकी हैत है सिफ़ात हैं उसकी बुनियाद पर वो उसकी शक्ल और हैत के अंदर उसकी वहदत है तो उसको मसाव कह देते हैं मुआज़ात भी कहते हैं और उसको मुशाकला भी कहते हैं तो ये वहदत मुशाकलत एक मुताबत है मुख्तलिफ़ बर्तन होते हैं मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं वो एक जैसे तबक होते हैं उनकी एक जैसी तसावी है उनमें मुसावत है बराबरी है तो उसको मुताबकत कहते हैं यानी वहदतें मुख्तलफ़ नौीय की हैं तो अल्लाह रब इज़त इन तमाम किस्मों की वहदतों से पाक है न वदत इतिसाल उसकी शान के लायक है न वहदत अजतमा उसकी शान के लायक है न मुजानसत की वहदत उसकी शान के लायक है न मुमासलत की वहदत उसकी शान के लायक है न मुशाबहत उसकी शान के लायक है न मुसावात उसकी शान के लायक है न मुशाकला उसकी शान के लायक है न मुताबिकत उसकी शान के लायक है सो हम कहेंगे न उस जैसा कोई मुमासिल है ना उसकी कोई जिन्स है न उसकी कोई मुसावत है न उसकी कोई शक्ल है ना उसकी कोई मुताबिकत में है इसलिए इमाम अजम ने जब वो आगे कल में जो अगली नशस्त आएगी तो मैं बताऊंगा। वो इसलिए कहते हैं कि न उसकी कोई ज़िद्द है न उसकी कोई मिसल है न उसकी कोई नज़ीर है ना अल्लाह की कोई शबी है न उसकी कोई मसील है ना उसकी कोई निद है ना उसकी कोई ज़िद्द है ये सारी अकसाम अल्लाह रबत की तोहद के बयान में तनजीह के तौर पर बयान करते हैं ताकि हर किस्म की जो वहदतें और मुशहतें और मुसलतें और मुताबकतें जितनी मुमकिन हो सकती हैं अल्लाह पाक इन सारी मुशाबहतों से पाक है इन सब मुताबिकतों से पाक है इन सब मुमासलतों से पाक है हत्ता के जो आलम इमकान में इमकान भी हो सकता है मुशाबहत और शराकत का उनसे भी पाक है और वो पाकिजगी अल्लाह की और वह तंजी और मुनजा होना उसकी जात में भी है और उसकी सिफात में भी है और उसके अफाल में भी है कोई श अल्लाह रबत की जात में उसकी सिफ़ात में और उसके अफ़ाल में उसके साथ मुताबिकत या मुशत या मुासरत नहीं रखती ये आज हमने आ, वाहिद के माना के अतबार से उसकी मुख्साम और उसकी तबीर और तशरी और फिर उसकी वाहदानियत और उसकी वाहदत की बहस इसको मुकम्मल किया अगली नशस् में इन श्रह ते वद से जो अहदियत की शान है अल्लाह रब की जिसको इमाम आजम ने अपने बयान के साथ ही शुरू में सर अखलास से इस्तलाल किया है तो अब तो के एंगल से असूलुद्दीन के और तोद के इन पहलुओं के एंगल से अगली नशत्म में इशल सर अखलास का मताल करेंगे और वह बहुत अजीब बहुत पुरलुत्फ और फहम के और इल्म के बहुत दरवाज़े खोलने वाला इनशा बित होगा व मा असलम वरह लबरक शेख उम डर मोहम्मद ताहरूलकादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें